नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक बिहार और मैं आपका भाई सम्राट सचिन। तो अभी मैं रोहतास जिला के अकोड़ीगढ़ प्रखंड के में स्थित बाग गांव के जो पुल है उस पर स्थित हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पुल का उपयोग हमारे ग्रामीण जनता धान के बोझा रखने में कर रही है। और ये देख रहे हैं कि पुल तो एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पुलवा से आगे बढ़िएगा तो यहीं पर एक बड़का गड्ढा है। जैसे हमारे बिहार में गड्ढा हो चुका है, यहीं पर भी बड़का गड्ढा है। आप देख रहे हैं कि अगर कोई रात में और कुहासा के दिन कोई आए तो यहाँ पे गिर जाएगा, उसका नाक भू सब बराबर हो जाएगा। और उसका जिम्मेवार कौन होगा? नीतीश जी, आप तो जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा। अगर यहाँ पर हादसा हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका परिवार रोते रोते मर जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर नहीं आइएगा। अब बताइए, पुल का तो निर्माण बढ़िया हुआ। ये देखिए, अभी देखिए हम जहाँ खड़ा है, देखिए कहाँ पैर जा रहे, देखिए। और ये देखिए, इधर आगे बढ़िएगा तो बाप रे बाप, इसमें हम भी चल जा सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं मरेंगे। कहे कि बहुत चीज़ दिखाना है अभी आपको नीतीश कुमार को। देखिए यहाँ पर आइए, कैमरा में थोड़ा इधर दिखा दीजिएगा। ये देखिए हमारे बिहार का जो पुल बन रहा है उसका यही तरीका है, यही बना रहा है इंजीनियर। कुछ दिन के बाद ये पुल धो जाएगा। अच्छा बाबा, पुलवा तो बन गया, लेकिन ये गड्ढा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो गड्ढा पुल तो बन गया, खत्म हो जाएगा पुल ही। पुलवा खत्म हो जाएगा ना, ये गड्ढा है तो धीरे धीरे पानी इसमें जाएगा, पुलवा का नेव खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो काम खत्म। इसके लिए क्या करना चाहिए? बनना चाहिए। तो बनना चाहिए तो क्या बनाएगा? नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग नीतीश कुमार को वोट देकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सही नहीं ना है। तो अब नीतीश को वोट मिलेगा? अब वोट नहीं मिलेगा ना, उसको बिहार से भगा देना है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार का जनता भी सब समझदार हो चुका है, हमारे बाबा भी समझदार है। अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, ऐसा काम होगा तो कौन वोट देगा जी? आइए देखिए पुल के, देखिए यहाँ पर लिखा है शिलालेख, श्रीमान श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार। ये देखिए, खाली मुख्यमंत्री के पद पर बैठने से होगा? काम कोई करिए नहीं रहा है तो। जय हिंद।